अफलातून संस्था की ओर से 22 जून को ताज नगरी में तृतीय फादर्स डे सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह से पहले संस्था के होटल पूनम प्लाजा में एक कार्यक्रम में जौहरी मेंबर्स ने श्रेष्ठ पिताओं के नाम की घोषणा की। फादर्स डे पर अफलातून द्वारा लगातार तीसरी बार आयोजित होने वाले समारोह में इस बार ताज नगरी की राष्ट्र स्तरीय 11 विभूतियों को बेस्ट फादर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। शुक्रवार शाम न्यू आगरा स्थित होटल पूनम प्लाजा में जौहरी मेंबर्स द्वारा वोट करके बेस्ट फादर्स के नामों का चयन करने के बाद उनकी ओर से महेश चंद्र शर्मा ने घोषणा करते हुए बताया कि बच्चों के गांधी सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार डॉक्टर द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, सुप्रसिद्ध कवि गीतकार पद्मश्री गोपाल दास नीरज, सुप्रसिद्ध व्यापारी नेता व समाजसेवी राजकुमार सामा और पूर्व विधायक व समाजसेवी सतीश चंद्र गुप्ता वैभव को मरणोपरांत वेस्ट फादर्स अवार्ड दिया जाएगा। इनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ध्रुव जुरेल के पिता नेम सिंह जुरेल, IAS अधिकारी सक्षम गोयल के पिता अमित गोयल, पुलिस अधिकारी पुत्र पुत्री के पिता बलवीर कमलेश, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पिता योगेंद्र सिंह, शिक्षाविद एवं समाज सेवी डॉक्टर MC शर्मा और राजकुमार अग्रवाल को वेस्ट फादर अवार्ड के लिए चुना गया। सभी पिता अच्छे होते हैं, बशर्ते कि वो बच्चों की साइकोलॉजी समझ के और उनको प्रमोट करें। बहुत से हम लोगों का मेन एम यह है कि इन पिता को बेस्ट फादर का करने के लिए कि उन पिताओं को या उन परिवारों के अंदर जहां पिता शराब वगैरह पीते हैं, नशा वगैरह करते हैं, उनको ये सबक मिले कि देखो तुम छोड़ दो उसको, बच्चों की तरफ देखिए, सोसाइटी की तरफ देखिए और उनके लिए जितना आप मेहनत कर रहे हैं बजाय नशेबाजी में देने के और बजाय इधर उधर उड़ाने के, आप बच्चों में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके बच्चे आगे चल के नाम रोशन करेंगे और आपका घर का उत्थान करेंगे। ये बेस्ट फादर अवार्ड का पीछे का हमारा मतलब सिर्फ इतना ही, हमारे नज़र में सब पिता सब माता बहुत अच्छे हैं। देखिए कि एक प्रयास है एक संदेश देने के लिए समाज के अंदर, पिता तो सभी अच्छे हैं, कौन पिता बुरा होता है, कौन पिता अच्छा नहीं होता है, इसका तो कोई पैमाना ही नहीं है। लेकिन कुछ पत्थरों के अंदर कुछ नगीने भी होते हैं जिनको निकाल के अलग रखा जाता है और फिर उनका सम्मान किया जाता है जिससे कि औरों को प्रेरणा मिले। ये वो पिता हैं जो अपने सामर्थ्य से बढ़कर अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए करते हैं जिससे कि शहर का, समाज का, देश का नाम रोशन होता है। कि ये तीसरे बार हम लोग जो है इस कार्यक्रम को संपन्न कराने जा रहे हैं। आज यहाँ पर कुछ फादर्स के नाम आए थे जिनको सेलेक्ट कर लिया गया है और अगर बहुत कोई ज़रूरत होगी तो उसमें से एक आध नाम आगे पीछे हो सकता है, वरना वो पूरी तरीके से यहाँ पर घोषित कर दिए गए। मैं ये चाहती हूँ कि ये जो, जैसा कि शर्मा जी ने कहा कि ये जो एक संदेश हर संस्था का होता है, मकसद क्या है, मकसद यही है कि हम आने वाले जो फादर हैं उनको प्रेरित करें कि वो अपने बच्चों को अच्छा बनाए। जब किसी भी घर के बच्चे अच्छे बनेंगे, जब पिता अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो निश्चित रूप से नागरिक अच्छे बनेंगे और जब कोई नागरिक अच्छे बनते हैं तो देश अच्छा बनता है। वार्ता का आयोजन किया गया है बेस्ट फादर अवार्ड के रिगार्डिंग और यहाँ पर सभी निर्णायकों ने वोटिंग के आधार पर, देखिए पिता तो सभी कह लीजिए कि सम्माननीय होते हैं, मगर संस्था का ये जो बेस्ट फादर अवार्ड है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है समाज के ऐसे पिताओं का सम्मान करना जिनकी कड़ी मेहनत, जिसके कह लीजिए कि जिन्होंने एक बीज रोपण किया जिसके बाद संतान के रूप में वृक्ष निकला और जिन्होंने अपने फलों से पूरे समाज को प्रेरणा के रूप में एक प्रेरणा का स्रोत बने वो लोग। तो इस कार्यक्रम को वोटिंग के आधार पर जितने भी पिता हैं उनका निर्णय लिया गया और 16 तारीख को PL पैलेस में इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जाएगा। ये आज इसका जो है जो श्रेष्ठ फादर हमें हमारी कमेटी द्वारा, हमारे निर्णायक मंडल द्वारा हमारे पास 15 नाम आए थे, उनमें से हमने 10 श्रेष्ठ फादर चुने और उनका काफ़ी पारदर्शिता से चुनाव किया गया है और कमेटी ने जो वास्तव में श्रेष्ठ उत्साह को दर्शाते हैं ऐसे फादर्स का चुनाव किया है। एक उनमें सर्वश्रेष्ठ फादर जो कि कैप्टन शुभम गुप्ता शहीद हुए अभी कुछ दिनों पहले ही, उनके पिता बसंत गुप्ता जी को सर्वश्रेष्ठ फादर के रूप में उनका कोई चुनाव नहीं हुआ, उनको डायरेक्ट रूप से चुन लिया गया। तो ये 11 फादर्स को हम 16 जून को रविवार को होटल PL पैलेस में सम्मानित करने जा रहे हैं। आगरा के लाल शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता के शहादत को नमन करते हुए संस्था द्वारा उनके पिता समाजसेवी एडवोकेट बसंत गुप्ता को सर्वश्रेष्ठ पिता के रूप में सम्मानित किया जाएगा।
बेस्ट फादर के नामों का चयन करने के लिए निर्णायक मंडल में मार्गदर्शक आदर्श नंदन गुप्त और कार्यक्रम संयोजक राजकुमार उप्पल के अलावा समाज सेवी सतीश अरोड़ा, आगरा पब्लिक स्कूल के चेयरमैन महेश चंद्र शर्मा, डॉक्टर मधुरिमा शर्मा, एडवोकेट रमाशंकर राजपूत, रंगकर्मी अनिल जैन, शीतल अग्रवाल और कवि पदम गौतम भी प्रमुख रूप से शामिल रहे। इस दौरान कीर्ति टंडन, कीर्ति शर्मा और हिम्मत सिंह राजपूत भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। मून न्यूज़ के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।